आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक भगतपुर टांडा के गांव फसियापुरा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 28 किलोमीटर तो ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। 2300 वोटों वाले इस गांव की बागडोर जाकिर अली के हाथों में है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर पर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गांव में काफी अच्छा विकास कराया है। 4 वर्षों में किस तरह से गांव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा के पसियापुरा ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने गांव में करवाए हैं अब तक? देखिए, हमारे गांव में बहुत कुछ गारे थे और इस टाइम ऐसे रास्ते हो गए हैं सारे गांव के आसपास में। करीब 30% रास्ते तो खराब ही हैं अभी भी। वैसे इस सरकार ने ज़्यादा पैसा देकर गाँव हमारा बढ़ा दिया। पहले कम से कम 27 साल पहले से हमारे गाँव में बहुत कुछ गारा था। मतलब अब जितने रास्ते आपने अपने कार्यकाल में इसमें पूरे करवाए हैं, उससे पहले इतना काम मतलब रास्तों में किसी ने नहीं करवाया? ना, हमने बहुत काम कराया और उसके बाद में हम तो करीब अब 28 वर्ष से 34-36 बनवाए हैं आवास जी। बनवाए हैं, हाँ, गांव हमारा ODF हो गया। 270 शौचालय बनवा चुके हैं। हाँ, और सबसे ज़्यादा जो हमें जरूरत है एक रास्ते की है, उसमें बीच में नाला पड़ता है, उस पर पहुँच जाएगा जी। तो वो रास्ता PWD का है। यहाँ पर जैसे सरकार की योजनाएं चलती हैं, केंद्र सरकार की उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, जो गरीबों के लिए सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, आपके गाँव में सभी लोग उसका लाभ ले पाए हैं? देखिए, जैसे कनेक्शन है तो 80% हो गए हमारे जी, कुछ लोगों ने नहीं लिए। और किसान सम्मान निधि का पैसा कितने परसेंट लोगों को यहाँ आया है खाते? मेरी नज़र 90% तो आई गया। हाँ, जो सा 2000 आता है जी, तो 80% मतलब 90% जी। यहाँ स्कूल ने कायाकल्प के अंतर्गत आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं? स्कूल में तो कुछ था ही नहीं, हम बड़े हैं जाकर तो उसमें दिल ही नहीं लगता। आज का ऐसा दौर है कि हमारे स्कूलों में जैसे कि पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी। हाँ, और उसमें फर्नीचर भी है, और उसमें यह है कि जैसे जहाँ टेल्स लगने का मामला, टेल्स भी लगवाया हमने और रिगोर भी कराया और हमने रंग भी करवाया उस पर बढ़िया तरीके से। टाइल्स वगैरह, रंगों का सुंदरीकरण, मतलब आपने काफ़ी स्कूल करवाया जी। देखने की चीज़ है वो, तो देख लिया जी, वो हम ज़रूर अभी देखेंगे। इसके अलावा ये बताइए कि यहाँ आपकी ग्राम पंचायत में जैसे सरकारी बिल्डिंग में से 12 घर, पंचायत घर, ये बने हुए हैं यहाँ पर? ना, पंचायत घर नहीं है, बारात घर भी नहीं है। बारात आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ तो, खेल का मैदान भी नहीं है। थोड़ा खेल का मैदान जहाँ था उसमें एक बड़ा कॉलेज आया है इंटर कॉलेज जी, तो वो बन गया, वहाँ पर वो बन रहा है, मतलब ग्राम पंचायत सरकारी कॉलेज। हाँ, 3.5 करोड़ रुपये की बतला दें जी जी, वो बन गया। आप अपने गाँव को और ज़्यादा सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं जैसे हमारे ग्राम समाज में हसियापुरा बन चुका है स्कूल जी, तो ऐसे एक बड़ा स्कूल हमारे मंजरा गाँव करियनोला खानी पड़ता जी, उसमें बनना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे 3 किलोमीटर इधर भागे इंटर कॉलेज के लिए। और 3 किलोमीटर हमें जब भागना पड़ता कम से कम हमारे बच्चों को, जनाने बच्चे देखो आजकल का जी, वो नहीं जाना चाहता कन्या इंटर कॉलेज। हाँ, कन्या इंटर कॉलेज के लिए, कन्या बारातगढ़ पंचायत भवन के लिए भी आप कहेंगे कि यहाँ? हाँ, पंचायत के, जैसे अब किसी के बच्चे की शादी है तो छोटे घर में तो शादी होनी चाहिए जी जी, बिल्कुल बारातगढ़ का होना बहुत ग्राम पंचायत में बहुत जरूरी है। इसकी हमारी ग्राम समाज की भूमि यहाँ है गाँव में जी। हाँ, बहुत जी, ग्राम समाज की काफ़ी भूमि है। इसके अलावा और कोई समस्या गाँव में ऐसी है जिसके लिए मतलब अभी तक किसी ने कुछ ना किया हो, जैसे कि सांसद निधि या विधायक निधि से आप कोई मदद लेना चाहेंगे अपने ग्राम पंचायत के लिए? सांसद से हम तो सबसे पहले ये चाहते हैं कि हमें नाला कूदना पड़ गया है कस्बे के लिए जाने के लिए, उसमें पुल बनना चाहिए। जो कस्बा है उस वहाँ तक पहुँचने के लिए वो बन गुजरना होगा जी, नीचे नदी पड़ती है छोटी सारी, उसमें पानी में गुजरते हैं और जाते हैं जी जी, मतलब उस पर आप पुलिया निर्माण के लिए चाहते हैं कि वहाँ पर कोई पुल निर्माण? हाँ, चाहे तो MP साहब बनवा दें, चाहे सरकार बनवा दें, हमें तो एक ही बात है, सरकार से वो पैसा मिलेगा, सरकार से।
वो कस्बा जो आपने बताया वो कौन सा है? टांडा बाग में। यहाँ कितने परिवार अभी ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है? देखो जी है तो काफ़ी है, मेरी नज़र में 50 है, लगभग 50 से भी ज़्यादा। कितने मीटर सीसी से आपका गांव, जो आपने बताया कि अभी लगभग 30% रास्ते कच्चे हैं, कीचड़ भरे हैं, कितने परसेंट सीसी से वो रास्ते पूरे पक्के हो जाएंगे? कम से कम मेरी नज़र में 500 मीटर तक, लगभग 1500 मीटर से कम होगा, क्योंकि हमारे विकास हमारे कार्य में जो भी हुआ है वही हुआ है, और जो 26 या 27 साल हमारे निकले हैं वो बिल्कुल ख़राब है जी। अगले गांव में प्रधानी रही, वो भी उन्होंने कराया ना कराया, पैसा आया ना आया, वो जाने। आपने अपने कार्यकाल में काफ़ी मैंने अपने कार्यकाल में बहुत विकास कराया है, इतना जितना दिया है उन्होंने इतना सोच भी नहीं सके। जितना सरकार ने आपको दिया विकास के लिए वो आपने 100% यहाँ पर विकास में लगाया। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इन 4 सालों में प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है। जैसा कि प्रधान जी का बताना भी और हम देख भी रहे हैं कि 100% यहाँ पर सरकार का दिया हुआ पैसा पूर्ण रूप से विकास में लगा है। जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी यहाँ लोगों को दिलाए हैं, शौचालय से ओडीएफ भी ये ग्राम पंचायत पूरी हो चुकी है, स्कूल में भी काफ़ी सौंदर्यकरण करवाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएँ यहाँ मौजूद हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ बारातघर और पंचायत भवन का होना बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही जो है प्रमुख मांग यहाँ प्रधान ने इसके लिए रखी है। प्रधान जी के बताने के अनुसार यहाँ जो प्रमुख मांग है वो एक कन्या इंटर कॉलेज की है, जो पास के मधरे में ये चाहते हैं कि सरकार निर्माण करवाए। इसके साथ ही पास के कस्बे तक जाने के लिए इन्हें एक नदी से गुजरना पड़ता है यहाँ की जनता को। तो प्रधान जी का मानना है कि यदि सरकार इनकी मदद करे, सांसद निधि या विधायक निधि, किसी भी तरह सरकार इनकी मदद से उस पर कोई पुल निर्माण करवा पाए तो बहुत ही बेहतरीन इनके लिए काम ये हो जाएगा और मांग पूरी होगी। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24। क्या नाम है आपका? कलवा जी। कलवा जी ये बताइए, यहाँ 4 वर्ष हो गए हैं ग्राम प्रधान जी के कार्यकाल को, 4 वर्ष में विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? यहाँ साफ कुछ बुझे मती पिछले प्रधान ने कुछ कराया ही नहीं, इस नए प्रधान ने साहब हमारा गांव चमन कर दिया। हर रास्ते में देख लो आप, बढ़ जाएं बिल्कुल एकदम नाली पाली सब सफाई उफाई सब मिलेगी, बढ़िया ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह जो बात होगी वही कही जाएगी, झूठ सच फरेब वाली कोई बात नहीं। अच्छा जिस रास्ते पर खड़े हो उस रास्ते के बारे में क्या कहना चाहोगे? साहब बहुत बढ़िया है, अल्लाह की रहमत से कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी सी दिक्कत है कि ये नाली तो साइड से बन गई है साहब, और थोड़ी नाली ये रह गई है। इसे भी कह रहे हैं कि बनवाऊंगा, ऐसी बात नहीं।